जामा मस्जिद में बिना अनुमति फिल्मी गीत की शूटिंग का मामला फिर से गर्मा गया है। इस मामले में प्रबंधन कमेटी और पुरातत्व विभाग की अनुमति के बिना शूटिंग पर मुंबई की कंपनी और स्थानीय प्रोड्यूसर अनीता सिसोदिया पर कार्यवाही की मांग की है। महिला अधिवक्ता इशरत ने पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ से शिकायत की है कि धार्मिक भावनाएं आहत करने का विरोध करने पर जाहिद कुरैशी पर ऑडियो वायरल कर धमकाने के आरोप भी लगाए हैं। आगरा की शाही जामा मस्जिद में बिना अनुमति फिल्मी गीत की शूटिंग का मामला गर्माता जा रहा है। जामा मस्जिद में गाने की शूटिंग होने की वायरल वीडियो पर महिला अधिवक्ता इशरत ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर गाना शूट करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं महिला अधिवक्ता इशरत ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जाहिद कुरैशी पर भी आरोप लगाया है और कहा है कि मस्जिद में गाने की शूटिंग के विरोध करने पर जाहिद कुरैशी ने उन्हें ऑडियो के माध्यम से धमकाया है। इसके डिजिटल एविडेंस उनके पास है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शाही जामा मस्जिद के अंदर जाहिद कुरैशी द्वारा रमशा प्रोडक्शन के तहत एक मूवी का सॉन्ग शूट करवाया गया है, जिससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई है तथा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है जाहिद कुरैशी द्वारा, जो एक घोर निंदनीय कार्य है और इसकी निंदा समस्त मुस्लिम समाज के अंदर काफ़ी गहरा रोष व्याप्त है इसी बात को लेकर। आपको कुछ धमकी वगैरह? हाँ, धमकी तो वो हमेशा देते ही रहते हैं किसी ना किसी मैटर को लेके। उन्होंने मुझे इससे पहले भी तकरीबन कई एक बार धमकी दी है, जिसके डिजिटल साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। देखिए, ऐसा है कि शाही जामा मस्जिद के जो अध्यक्ष हैं जाहिद कुरैशी, वो हमेशा से अपनी मनमानी करते हैं और अपनी गुंडई के बल पे ये सारे कामों को अंजाम देते हैं। उसी तरह का एक काम ये भी है कि शाही जामा मस्जिद में उन्होंने एक फ़िल्म की शूटिंग बिना किसी विभाग के, बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति के, बिना मैनेजमेंट कमेटी की अनुमति के उन्होंने शूटिंग की अनुमति दी और उसको अपने लोगों द्वारा करवाया गया। अब इसके अंदर सारे मुस्लिम समाज के अंदर रोष तो है, लेकिन डर की वजह से कोई इसके सामने आना नहीं चाहता। रहा सवाल कि इतने आपराधिक मुकदमे होने के बावजूद इसको ना तो कभी पुलिस गिरफ्तार करती है और ना ही कभी जेल भेजती है। इतनी संगीन धाराओं में इसके ऊपर मुकदमे कायम हैं। आज भी एक मुकदमा है 2,10,00,000 रुपये का हरेंद्र रजावत का, उसमें भी पुलिस ने कोई इसमें कार्रवाई नहीं की है। अगर इसको एक बार अगर जेल की हवा खाए तो ये ज़िंदगी भर भूल जाएगा इस तरह के अपराध करना। अब इन मामलों को लेकर के शहर के मुसलमानों में काफ़ी रोष व्याप्त है, धीरे धीरे आक्रोश बढ़ रहा है। हमने उस आक्रोश को रोकने के लिए अपनी कानूनी कार्रवाई को अमल में लेके आए हैं। आज कमिश्नर साहब से मिले हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। हमें उनसे इसी तरह की अपेक्षा है कि वो हमें इंसाफ देंगे। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए करीम खान की रिपोर्ट।